हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान मसले पर अब दिल्ली में अहम बैठक करने जा रहा है भारत, और साथ में पाकिस्तान के NSA को भी दिया है न्योता। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान के तालिबानी मुद्दे पर। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देंगे, साथ ही आगे बताएंगे। जहां पर कंगाल पाकिस्तान पर अपने कर्मचारियों को तन देने के भी लाले पड़ गए हैं। दोस्तों आपको बताएंगे, जहां IMF ने ठुकराया है इतने अरब डॉलर का लोन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया गया है दोस्तों, वो भी आर्थिक संस्था IMF ने। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देंगे आपको, साथ ही आगे बताएंगे। जहां पर लगातार दूसरे दिन भी गैर कश्मीरी मजदूरों पर बड़ा हमला किया गया है दोस्तों, वो भी इस बार आतंकियों ने घर में घुसकर 3 पर बरसाई है गोलियां, में 2 की मौके पर ही मौत हो गई है दोस्तों। यानी कि परसों 2 मजदूरों को मारने के बाद कल की फिर खबर है, जहां पर अब 2 पर गोलियां बरसा दी गई है दोस्तों। बड़ी जानकारी देंगे इसकी आपको, साथ ही बताएंगे कि इनको मारने के बाद दोस्तों हमारे भारतीय सेनाओं ने क्या कदम उठाया है दोस्तों, और बाकी जितने भी वहां पर जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी है दोस्तों, उनके लिए क्या कदम उठाया है, बताएंगे। हर तरह की खबर आपको साथ ही आगे बताएंगे दोस्तों। जहां पर इमरान खान के दर्द पर मरियम नवाज ने लिए हैं मजे, कहा मोदी जी फोन नहीं उठा रहे और जो बाइडेन इनको फोन कर नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, हर तरीके से मजे लिए गए हैं मरियम नवाज की तरफ से इमरान खान को लेकर। दोस्तों बताएंगे पूरी बात और क्या क्या कहा है मरियम नवाज ने, साथ ही आपको बताएंगे क्या रद्द होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान आया है दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। क्या सच में रद्द होगा भारत पाकिस्तान का मैच, आतंकियों से मैच का संबंध माना जा सकता है या नहीं, हर तरह की बड़ी खुलासा करेंगे दोस्तों आपके सामने। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर दुनिया में सबसे भव्य होगा, विजय दशमी के मौके पर राज तिलक समारोह को संबोधित करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है दोस्तों। साथ ही अगर आप भी त्योहारों के सीजन में होम लोन और कार लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इनके दरों में काफी कटौती की गई है, वो भी स्पेसिफिकली इस बैंक ने दिया है ग्राहकों को। बड़ी तोहफा किस बैंक ने, बताएंगे दोस्तों। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले, इसीलिए बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी, यहाँ तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगान मसले पर दिल्ली में अहम बैठक करने जा रहा भारत। पाकिस्तान NSA को भी दिया गया है न्योता। बता दे, काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 महीने के बाद भारत अफगानिस्तान के भविष्य पर क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल करने की योजना बना रहा है दोस्तों। भारत अगले महीने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी NSA की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। रूस और पाकिस्तान उन देशों में शामिल है दोस्तों, जिन्हें भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर NSA की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। एक और जहां भारत ने रूसी राजधानी में मॉस्को प्रारूप वार्ता में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तर की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें कि रूस वाली बैठक में तालिबान भी शामिल होगा। जी हां दोस्तों, TOI की खबर के मुताबिक माना यह जा रहा है कि भारत ने अफगान मसले पर इस बैठक के लिए चीन, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी आमंत्रित किया है, और माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान में मानवीय संकट और मानवाधिकारों के मसले पर बातचीत होगी। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ को पिछले हफ्ते निमंत्रण मिला। अगर पाकिस्तान NSA निमंत्रण स्वीकार करते हैं और भारत आते हैं, तो ये मोहित यूसुफ की भारत की पहली और आधिकारिक यात्रा होगी। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि तालिबान का शुरू से मददगार रहा पाकिस्तान इस बैठक में अपनी क्या भूमिका निभाता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, बताइएगा जरूर, क्योंकि भारत एक इंसानियत के नाते इस बैठक का आयोजन कर रहा है।
है दोस्तों, ताकि अफगानिस्तान में अफगानी नागरिकों को कोई भी जुल्म और सितम और खाद्य समस्या ना हो दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान क्या भूमिका निभाता है ये देखना होगा, आपकी क्या राय होगी दोस्तों बताना मत भूलिएगा इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो कंगाल पाकिस्तान पर अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी लगे लाले। IMF ने ठुकराया $6 अरब का लोन। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान कंगाली की स्थिति में पहुंच चुका है। इमरान खान सरकार की खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब का लोन देने से इनकार कर दिया है दोस्तों, और दी जाने वाली $1 अरब की अगली किश्त को भी रोक दी है। जी हाँ, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं है। कंगाली की स्थिति में पहुंच चुके पाकिस्तान की स्थिति और खराब होने वाली है। IMF ने पाकिस्तान को और लोन देने से इनकार करते हुए उसे दी जाने वाली $1 अरब की किस्त भी रोक दी है दोस्तों। इमरान सरकार को IMF के साथ $6 बिलियन के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत एक समझौते पर बातचीत चल रही थी, जिस पर बात नहीं बन पाई। और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान सरकार की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब होने वाली है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप इमरान खान का क्या मानते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही दोस्तों अगली और सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज की बात करें, जहां पर लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी मजदूरों पर बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने घर में घुसकर 3 लोगों पर बरसाई गोलियां, जिसमें 2 की मौत हो गई है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाने का सिलसिला टूट नहीं रहा है। रविवार को कुलगाम के वानपोह इलाके में आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। इस घटना में गैर कश्मीरी 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया है। घटना के पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर डाली है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने घर में घुसकर मजदूरों को निशाना बनाया। आपको बता दें कि ये लगातार दूसरा दिन है जब आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया गया है दोस्तों। इन 2 दिनों में आतंकियों ने कुल 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर चुके हैं दोस्तों। आपको बता दें, इससे पहले 2 मजदूरों को परसों मारा गया था दोस्तों, जहां पर एक गोलगप्पे वाले को और दूसरे कारपेंटर को मारा गया था दोस्तों। ऐसे में लगातार बड़े आतंकी हमले दोस्तों जम्मू कश्मीर में होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घाटी में नागरिकों की हत्या पर उपराज्यपाल का आतंकियों को ललकार, कहा निर्दोषों के खून की हर बूंद का बदला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है दोस्तों, साथ ही कई जवान भी हमारे शहीद हुए हैं इन पिछले 2 हफ्तों में। साथ ही घाटी में आतंकियों की ओर से नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि हम निर्दोष नागरिकों के खून के हर बूंद का बदला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिन्हा ने आतंकियों और उनके हमदर्दों का खात्मा कर अपने लोगों के खून की एक एक बूंद का बदला लेने का संकल्प लिया है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बताइएगा जरूर इस पर। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन डबल आतंकी अटैक को लेकर दोस्तों अब पुलिस आर्मी कैंप में लाए जाएंगे सारे बाहरी मजदूर, इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हाँ, बता दें कि कश्मीरी पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है, जहां पर इसके तहत कश्मीर से सभी गैर स्थानीय मजदूरों को पुलिस और सेना के कैंपों में लेकर जाया जाएगा। गैर स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा के चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी जितने भी कश्मीर में बाहर से आए हुए दोस्तों मजदूर है, उन सबको सेनाओं के कैंप में रखा जाएगा। अगर आप भी ये मानते हैं कि बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि दोस्तों हमारी भारतीय सेना अब उन आतंकियों को किसी भी हालत में खत्म करने के पीछे लग गई, और ऐसे में मजदूरों की सुरक्षा अब सेना ही करेगी। ऐसे में जय हिंद जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात कर अगली बड़ी खबर की, तो इमरान खान के दर्द पर मरियम नवाज ने लिए मजेदार मजे, कहा मोदी फोन नहीं उठा रहे और जो बाइडन इनको फोन ही नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तानी सेना से भिड़े प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब विपक्ष ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी PMLN के नेता मरियम नवाज शरीफ ने ISI चीफ के इंटरव्यू लेने की खबरों पर इमरान खान को घेरा है दोस्तों। मरियम नवाज
मोदी ने यहां तक कहा है कि विदेशी मोर्चे पर इमरान खान फेल साबित हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इमरान खान का फोन तक नहीं उठा रहे, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति फोन कर ही नहीं रहे। अमेरिकी टीवी पर लोगों ने कहा कि इमरान खान की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब इससे बड़ी बेइज्जती एक देश के प्रधानमंत्री के लिए और क्या हो सकती है दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं। और बताइएगा जरूर सुझाव इमरान खान को जरूर दे दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां मरियम नवाज ने आगे कहा कि पेंडोरा पेपर्स में इमरान सरकार सबसे नंबर वन है। जी हाँ, बता दें मरियम नवाज ने हाल ही में सामने आए पेंडोरा पेपर्स लीक के मामले में इमरान सरकार नंबर वन है कहा। शनिवार को फैसलाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है। मरियम नवाज ने आगे कहा कि देश की जनता से कहा जा रहा था कि उनका नाम इसमें शामिल नहीं है, उनके नेताओं के नाम इसमें शामिल है, इमरान खान चोरों की सरकार के मुखिया है, तो आखिर कैसे खुद को ईमानदार हो सकते हैं इमरान खान, अपनी सरकार को जवाबदेही से बचा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर अब चीन से डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा ताइवान। अमेरिका से बोला ताइवान, कहा जल्दी भेजिए हमारे F-16 फाइटर जेट। जी हाँ, चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान ने अमेरिका से जल्द F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी करने की गुहार लगाई है। अब ताइवान ने चीन के साथ दो दो हाथ करने का मन बना लिया है दोस्तों। यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ज्यादा तैयार दिखाई दे रहा है दोस्तों। चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ और ड्रैगन से बढ़ते खतरे के बीच रिपोर्टें सामने आई है कि ताइवान के अधिकारियों ने वॉशिंगटन से ताइपे को अमेरिकी निर्मित F-16 फाइटर जेट की डिलीवरी में तेजी लाने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहाँ पर क्या रद्द होगा भारत पाकिस्तान का मैच। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। मैच को लेकर बता दें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं के बीच T20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांग तेज हो रही है दोस्तों। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब रिश्ते ही अच्छे नहीं है तो इस पर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है। दरअसल गिरिराज सिंह कल जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर शोक सभा में शामिल होने पहुंचे थे। यहां से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस दोगलेपन की राजनीति कर रही है। राजस्थान में वाल्मीकि समाज SC/ST के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, और इन मुद्दों पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती लेकिन लखीमपुर में जाकर राजनीति करती है। साथ ही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर आने वाले दिनों में होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच मैच के बारे में इन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान से रिश्ते ही अच्छे नहीं तो मैच पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग, क्या भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों, और आए दिन कश्मीर में हमारे जवान और आम नागरिक मारे जा रहे हैं दोस्तों, क्या ऐसे में पाकिस्तान के साथ ये मैच होना जरूरी है? क्या ये मैच होना चाहिए दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते आपका हक है दोस्तों कि देश के हर अच्छे फैसले में अपना हक और अपनी राय अवश्य दें। तो कहना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके दोस्तों लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर कोरोना टीकाकरण की रफ्तार देख IMF के बाद वर्ल्ड बैंक भी हुआ भारत का मुरीद। जमकर की है भारत की तारीफ। बता दें, भारत में कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर है दोस्तों। अगले हफ्ते देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। टीकाकरण को लेकर भारत की रफ्तार देख IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक आश्चर्यचकित है दोस्तों। भारत के टीकाकरण अभियान की IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने COVID-19 महामारी के खिलाफ सफल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत को बधाई दी है और इसे सफल बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात में उन्होंने टीका उत्पादन एवं वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पर लोन देने से फंड देने से मना किया जा रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ भारत है हमारा जिसके तारीफ में विदेशी न जाने क्या क्या कह जाते हैं दोस्तों। ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि खुद बाहरी
ही देश ने ही ये फैसला कर दिया है कि कौन अच्छा है, भारत या पाकिस्तान। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां तेल की आग में झुलस रहा श्रीलंका। ईंधन खरीदने के लिए भारत से मांगी $50 करोड़ की मदद। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा संकट के बीच कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की खरीद के भुगतान के लिए भारत से $50 करोड़ का कर्ज उधार मांगा है। दोस्तों ये कदम ऊर्जा मंत्री उदय गमन पीला यानी एनर्जी मिनिस्टर उदया गमन पीला की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ईंधन की मौजूदा उपलब्धता की गारंटी अगले जनवरी तक ही दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीपीसी के अध्यक्ष सुमित विजय सिंघे ने स्थानीय समाचार वेबसाइट के हवाले से कहा कि हम वर्तमान में भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी व्यवस्था के तहत $50 करोड़ का कर्ज प्राप्त करने के लिए यहाँ भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का उपयोग पेट्रोल डीजल आवश्यकताओं की खरीद के लिए किया जाएगा। जी हाँ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहाँ पर रूसी इलाके में घुस रहा था अमेरिकी बॉम्बर, पुतिन ने दौड़ा है MiG-31 फाइटर जेट। बता दे अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक बॉम्बर B-1B के जरिए जापान सागर में उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। दोस्तों रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि ये घटना रविवार को हुई है। अमेरिकी बमवर्षक विमान को भगाने के लिए रूस ने अपने MiG-31 फाइटर जेट भेज दिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर शिया मुसलमानों का जानी दुश्मन बना ISIS, खुलेआम चेतावनी दिया, कहा जहां भी रहोगे हम तुम्हें मार देंगे। जी हां अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब ISIS पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। दोस्तों ISIS के न सिर्फ शिया समुदाय को टारगेट कर धमाके कर रहा है, बल्कि खुलेआम इस समुदाय के कत्लेआम की चुनौती दे रहा है। उसने कहा कि शिया मुसलमान जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या दाएश ने एक बयान में कहा कि शिया मुसलमान खतरनाक है और उन्हें हर जगह निशाना बनाया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो बांग्लादेश से खबर आ रही है, जहां हिंदुओं के मंदिर व्यवसायों पर फिर हुआ एक बार हमला, अल्पसंख्यक समूह देश भर में करेंगे अनशन। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर दुनिया में सबसे भव्य होगा। जी हां दोस्तों, विजयदशमी के मौके पर राज तिलक समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। दोस्तों बता दें गोरखपुर में दशहरा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर सबसे भव्य बनेगा। उन्होंने कहा कि सदियों के बाद राम भक्तों का संघर्ष रंग लाएगा। दोस्तों जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तो यह दुनिया में सबसे भव्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात विजयदशमी के शोभा यात्रा के मौके पर कही। आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन गोरखपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। मुस्लिम और सिंधी समेत सैकड़ों लोगों ने इसका स्वागत किया था। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक भी किया। राज तिलक समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों के कड़े संघर्ष के बाद अयोध्या पर 500 सालों से ढके बादल छट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक घरों में प्रभु श्री राम की कथा का गान होगा कोई भारत का बाल भी बाका नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिस रावण से इंद्र भी थर्राते थे उसको प्रभु श्री राम ने बानर भालू और वनवासी सेना को साथ लेकर परास्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो योगी जी के बात का आप समर्थन करते हैं या नहीं दोस्तों बताना मत भूलिएगा कमेंट में। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से ही खबर आ रही है, जहां सपा के बागी विधायक नितिन को डिप्टी स्पीकर बनवाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। विधानसभा का विशेष सत्र है आज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल महज चंद महीने शेष बचा है, लेकिन चुनावी रंग के साथ ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए सपा के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव जीत कर आए विधायक नितिन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। सीएम योगी सपा से जीतकर आए नितिन को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनवाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग पहुंची भारत। कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के साथ
सामने भजन गाकर जताया विरोध बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में। कोलकाता इस्कॉन मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने भजन गाकर अपना विरोध प्रकट किया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने पुलिस एसडीआरएफ को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। बता दे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका के चलते राज्य के हालातों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस एसडीआरएफ और अन्य संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर अलर्ट रहने को कहा है। बात करें अगली खबर की तो त्योहार के इस सीजन पर अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा। होम लोन और कार लोन की दरों में की भारी कटौती। जी हां त्योहारों के सीजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को होम लोन और कार लोन की दरों को घटाकर तोहफा दिया है। दोस्तों रविवार को बैंक ऑफ इंडिया ने कार लोन और होम लोन में छूट देने का ऐलान किया है। यानी अब बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को सस्ता होम लोन और वाहन ऋण मिलेगा। जी हां बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने होम लोन पर 35 बेसिस पॉइंट और कार लोन पर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। दोस्तों बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे दिया और ये ऑफर कब तक रहेगा। साथ ही दोस्तों घर बैठे आप उठा सकेंगे इस ऑफर का लाभ। तो दोस्तों सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में जो इन ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों जल्दी से होम लोन या फिर कार लोन ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दे, लखीमपुर घटना के विरोध में 18 अक्टूबर यानी आज देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान होगा। जी हां दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि लखीमपुर खीरी घटना के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 18 अक्टूबर यानी सोमवार को देश भर में रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर आपके क्या विचार होंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं रेल रोकने का मतलब है दोस्तों देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश के अर्थव्यवस्था को टाल मटोल करना। दोस्तों अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं ये भी गलत है तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि देश को सुचारू रूप से चलना चाहिए दोस्तों, और उसमें बाधा अगर कोई उत्पन्न करे तो वो भी एक तरह से क्राइम ही है। क्या कहना चाहेंगे तो बताइएगा जरूर। साथी ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।